स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल आरती की रसोई में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर पालक का जड़ और डंडी कट करके रखा है, उसके साथ मैंने आलू भी कट करके रखा है। तो आज हम लोग पालक का जड़ और डंडी का सब्जी बनाने जा रहे हैं। तो जैसे आप लोग पालक को कट करके इसका ये जड़ फेंक देते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप लोग इसका अच्छे से सब्जी बनाकर बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को मसाला दिखा देती हूँ कि मैं इसमें कौन कौन से मसाले का यूज करूंगी। तो यहाँ पर मैंने मसाला निकाल कर रख लिया है। थोड़ा सा जीरा है, थोड़ा सा धनिया है, सूखा लाल मिर्च मैंने चार लिया है, राई और थोड़ा सा लहसुन। तो इसको हम लोग अच्छे से पीस लेंगे। तो इसका पहले हम लोग पेस्ट बना लेते हैं। तो मैंने मसाले को अच्छे से पीस लिया है, हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। और उसके साथ यहाँ पर मैंने बारीक कट कर लिया है टमाटर को, एक छोटा सा टमाटर, ये भी हम लोग डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दिया है और उसमें तेल भी डाल दिया है। हम लोग का तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसको तो मेथी से हम लोग इसको छौंकेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा मेथी हम डाल दिए हैं, जब तक यह ब्राउन होगा उसके बाद हम लोग इसमें आलू डाल देंगे। फिर आलू को हम लोग ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे अच्छे से। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा आलू अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। तो अभी हम तो मसाला डाल दिए हैं। आप लोग सोचेंगे कि हम पालक कब क्यों नहीं फ्राई किए, तो हम लोग पालक को फ्राई नहीं करेंगे, हम लोग पालक को मसाले में ही डाल देंगे। तो चलिए हम लोग पहले इसको फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। अभी हम लोग टमाटर भी डाल देते हैं, मसाले के साथ टमाटर भी अच्छे से फ्राई होगा। और इसके बाद हम लोग स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे, आप लोग अपने स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर एक चम्मच और थोड़ा सा नमक डाल लिया है। जब मसाला फ्राई हो जाएगा अच्छे से, सूख जाएगा, तब हम लोग इसमें पालक को मिक्स करेंगे। आलू के साथ हम लोग पहले मसाले को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो हमारा मसाला फ्राई हो चुका है, तो इसमें हम लोग पालक को भी डालकर थोड़ा और फ्राई कर लेते हैं, ताकि पालक में भी अच्छे से मसाला का टेस्ट आ सके। तो मैंने पालक को डाल दिया है, अब इसे हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर थोड़ा ढक देंगे और 5-10 मिनट इसको भी हम लोग अच्छे से फ्राई करेंगे। तब फिर देखते हैं कैसा हुआ है हमारा सब्जी। अभी आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। अभी हम लोग 2 मिनट और फ्राई करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग इसमें पानी भी मिलाएंगे, ताकि आलू एंड पालक का जो जड़ है वो अच्छे से थोड़ा और पक जाए। तो पहले हम लोग 2 मिनट और इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कैसा हुआ है फ्राई होकर हमारा पालक और आलू की सब्जी। तो फ्राई हो चुका है अच्छे से। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर देंगे। मैं ज़्यादा पानी मिक्स नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए। आप लोग अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं, अगर आप लोगों को ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो। मैं बस इतना ही पानी मिक्स कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगी। मैं थोड़ा सूखा ही बनाऊँगी, तो मैंने इतना पानी मिक्स कर दिया है। अब हम लोग इसे ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। फिर 5 मिनट बाद हम लोग देखेंगे कैसा हुआ है। तो चलिए पहले हम लोग ढक देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी सब्जी बनकर पूरी तरह से रेडी है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। पालक का जड़ भी गल गया है एंड हमारा आलू भी हो गया है। तो हमारा सब्जी का आप लोग देख सकते हैं कलर एंड लाइट बहुत ही सुंदर आया है, और स्मेल भी इसका बहुत अच्छा आ रहा है, देखने में भी बहुत टेस्टी लग रहा है। तो चलिए हम गैस को बंद कर देते हैं। मैं आप लोग को प्लेट में भी निकाल कर दिखाती हूँ कि कैसी बनी है हमारी सब्जी। तो ये देखिए हमारी सब्जी बनकर पूरी तरह से रेडी है, बहुत ही टेस्टी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी तरह से गल गई है हमारी सब्जी, बहुत ही टेस्टी बनी है।
तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए यूनिक यूनिक एंड टेस्टी टेस्टी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। थैंक यू।